दोस्तों नमस्कार। आज फिर मैं हाजिर हूं एक नया नुस्खा लेके। आपको मैं डेली नया नुस्खा देता हूं और इतना प्यारा और इतना आसानी से होने वाला और इतना कामयाब होता है कि आप जो भी मेरे नुस्खे को आजमाता है करता है वो रोते हुए करने लगता है और हंसते हुए करके छोड़ देता है, हंसने लग जाता है। ऐसे नुस्खे मैं आपको बताया करता हूँ, रोते इंसान को हंसाता हूँ मैं। तो दोस्तों मैं आज आपको एक नुस्खा बताने जा रहा हूं कि नसों में कहीं भी ब्लॉकेज है, दर्द है, ऐंठन हो रही है, खिंचाव पड़ रहा है, नसों की कमजोरी है, इन सब को जड़ से खत्म कर देगा ऐसा नुस्खा आपको मैं बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों मैं हूं रवि गिरी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल रवि गिरी बाबा का सच। जिसने भी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दें ताकि आपको ऐसे ही वीडियो, क्वालिटी वीडियो मिलते रहें टाइम टू टाइम। तो चलो बढ़ते हैं उस नुस्खे की तरफ। दोस्तों इसको कहते हैं कुष्मांडा। असली नाम जो है इसका नाम होता है कुष्मांडा और वैसे इसको मैं बहुत ही एक प्रसिद्ध पहचान बता रहा हूं। इसको आगरे का पेठा भी कहते हैं। जो आगरे का पेठा आप बाजार में खाते हो ना वो इस कुष्मांडा से ही बनता है। ये भी एक प्रकार का पेठा होता है लेकिन ये फीका होता है और इसकी सब्जी नहीं बनती लेकिन इसकी मिठाई बनाई जाती है। आगरा का पेठा जो विश्व में प्रसिद्ध है, आगरा का पेठा, उसी कुष्मांडा के बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूं कि आपको क्या करना है। ये जो कुष्मांडा है ये बहुत काम की चीज है। मिठाई के साथ साथ में आपकी नसों की ब्लॉकेज को खोल देगा। कहीं भी नसों में दर्द हो रहा है, ऐंठन हो रही है, उन सबको दूर कर देगा, आपकी बीमारी को जड़ से खत्म कर देगा। तो आपको क्या करना है, कुष्मांडा लेना है, उसको छील लेना है, अंदर की जो गिरी होती है उस गिरी को आपको छोटे छोटे टुकड़े करके और ग्राइंड कर लेना है या उसको कद्दूकस कर लेना है, बारीक कर लेना है, किसी भी प्रकार से बारीक करके उसको जब सूती कपड़े में डालकर निचोड़ोगे तो उसमें से आपको रस जो प्राप्त होगा उस रस को आप रोजाना 50 ग्राम की मात्रा में, अगर आपने 20 दिन पी लिया तो मैंने जो रोग बताए हैं एक एक रोग आपके दूर भागते जाएंगे। दोस्तों मेरे नुस्खे को करके देखिए, पूरा अच्छी तरह देखिए। मैं बहुत लंबा चौड़ा वीडियो नहीं बनाता, 20-20 मिनट के वीडियो नहीं, मेरे 6-7-5-7 मिनट के या 2-3 मिनट के वीडियो होते हैं, कम से कम उसको पूरा देख लिया करो, ये मेरी रिक्वेस्ट है। और दवाई का मामला है इसलिए ये उल्टा सीधा भी नहीं हो जाए। मेरे पास में कई ऐसे भी कमेंट या फोन आते हैं कि बाबा हमने फलाने के कहने पे फलानी दवाई ली थी, हमारे गड़बड़ हो गई। अरे नहीं भैया, सोच समझ के लो कि कम से कम उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए, बताने वाले को खुद का एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसी की आप दवा लोगे तो आप ठीक हो जाओगे, वरना आपको इसी प्रकार गड़बड़ी देखने को ही मिलेगी। क्योंकि आपने देखे है, अरे उन पे व्यूज भी लाखों लाखों आते हैं जो कहते हैं ये जड़ी बूटी खा लो आप पलंग तोड़ दोगे। देखिए ऐसा कुछ नहीं होता, इनके बहकावे में आपको नहीं आना है। आप ये जूस पियेंगे तो आप पी के देखना कुछ ही दिनों में आपके नसों की खिंचाव, ब्लॉकेज, नसों में कहीं भी आपके ऐंठन पड़ रही है, दर्द हो रहा है, ये सब दूर हो जाएंगे। तो दोस्तों ये नुस्खा करके देखना, तब मेरे को कमेंट करना और मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।